सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव माना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और एक और नए व्लॉग में। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट और शेयर। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं और नए व्यूअर्स हैं, एक बार जाके चेक कर लो कि आपका बेल आइकन प्रेस हो रखा है कि नहीं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी हमने मंगाए हैं प्रेम दी हट्टी से चूर चूर नान, तो अभी वो खाते हैं। और कल ना मैं ये पिक्चर देख रहा था हनुमान, बट इस पिक्चर में ना मेरे को ना स्टार्टिंग ना ठीक नहीं लगी, क्योंकि इस स्टार्टिंग में ना मतलब एक बच्चे को दिखाते हैं और वो बच्चे को ना सुपर हीरोज वगैरह ना बहुत पसंद होते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है उसमें ना, सोचता है कि स्पाइडरमैन के भी मम्मी पापा नहीं थे, बैटमैन के भी मम्मी पापा नहीं थे, तो मैं भी अपने मम्मी पापा को मार देता हूँ तो मैं भी सुपर हीरो बन जाऊँगा। तो वो अपने मम्मी पापा को मार देता है। तो मेरे को तो यही लग रहा था कि कोई छोटे छोटे बच्चे अगर ये मूवी देखेंगे तो उनको भी यही लगेगा कि हम अपने मम्मी पापा को मार दें तो हम सुपर हीरो बन जाएंगे। तो इस पिक्चर की स्टार्टिंग ही गलत थी। अब बाकी आगे देखते हैं क्या पिक्चर है, कैसे पिक्चर है। नाम से तो यार हमारे जय बजरंग बली जी के नाम से पिक्चर है, और स्टार्टिंग ही इतनी वो दिखा रहे हो तुम, गंदी सी। तो बाकी अब देखते हैं कैसी पिक्चर है, क्या स्टोरी है। गाइस, जाई ने बोला था अगर मैं टाइम से सो जाऊंगा और टाइम से उठ जाऊंगा तो मेरे को आप 100 रुपए दोगे, बोला था। अब मैं कल टाइम से सो गया, टाइम से उठ गया, ना भी लिया, नाश्ता भी कर लिया। 100 रुपए कब मिलेंगे? हाँ, ना भी लिया है। अच्छा, कब मिलेंगे 100 रुपए? दे देनी है, थोड़ा सा लिया। क्या भरोसा? अच्छा, भरोसा ही तन को नहीं मेरे से। भाग जाओ फिर। कहाँ भाग जाओ? मेरे पीठ पीछे से। अरे कहाँ भाग जाऊंगी, रोज के 100 मिलेंगे? नहीं रोज के नहीं, आज के, कल की बात है। नहीं, अब जैसे आज भी टाइम से सो जाऊंगा घर पे और टाइम से उठ जाऊंगा तो फिर से मिलेंगे? 100 रुपये किधर ले आऊंगा? एक आधी जमीन बेच दो। जमीन कौन सी है मेरे पास? अच्छा, रोज वाली स्कीम नहीं है ये? ना, रोज नहीं मिलेंगे। रोज मैं किधर ले आऊंगा पैसे? फिर मैं आज भाग जाऊंगा फिर से बाहर। अरे भाग जा, जाना भाग। वो तेरी जिम्मेवारी है, तेरा खुद सोचना चाहिए। रोज अगर मिलेंगे तो रोज सोऊंगा घर पे। नहीं, मैं हफ्ते के 700 रुपए है नहीं ना मेरे पास। हफ्ते के 700? ले 100 रुपए जाएगा। पर्स देखो कितना प्यारा था, पिंक कलर का। और जाएगा, इस बैग में पूरे पैसे भरे रहते हैं हर वक्त। अरे कोई नहीं, दुआएं हैं इसमें। ओए होए जाई, इसमें तो नोट ही नोट हैं। देख ले, काट ले नोट जेड़े है, निकाल ले, निकाल ले। कैमरे में बोल रहे हो, याद रखना कैमरे के बाद ना रोने मत डाल देना। निकाल लूंगा सारे पैसे, अभी बता रहा हूँ। तो गाइस, अभी खाते खाते अब मैं नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि गलती से ना ऑर्डर करते वक्त ना 2 पीस की जगह 1 पीस सिलेक्ट कर दिया था। तो अब 1 पीस नान का खाया, वो पेट भरा नहीं, और घर पे गोभी थी नहीं, तो मम्मी कह रही है जाके गोभी लेके आया, देखो गोभी वाले परांठे बना के देती हूँ। बताओ अब जो एक नान खाया था अब वो सारा नीचे उतर जाएगा, अब फिर से खानी पड़ेंगे 3 परांठे गोभी के। ऐसे थोड़ी होता है यार, बताओ ऐसे फिर मेरे बॉडी कैसे बनेगी ऐसे। फ्री की चीज़ तो मैं भी नहीं छोड़ता, धनिया मिर्च ले लिया है। गाइस, जिम के लिए रेडी हो चुके हैं और अब नीचे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कभी भी जिम स्टार्ट करे ना तो सबको स्टार्टिंग में होता है कि भाई साथ चलते हैं जिम, या कोई लड़कियां होती हैं तो अपनी लड़कियों दोस्तों को बोलती हैं, कोई मतलब बड़े होते हैं तो अपना मतलब कोशिश करते हैं हर बंदा कि एक फ्रेंड सर्कल हो या कोई सर्कल हो, अकेले जिम जाने का मन नहीं करता। बट मेरा ये कहना है कि भाई अकेले जिम जाने की आदत डाल लो, साथ वाला नहीं जाता, 2 दिन जाते हैं फिर नहीं जाता। मेरे साथ यही है, मुकुंद हफ्ते में एक बार ही जिम जाते हैं मेरे साथ, बाकी पूरे हफ्ते में अकेले जाता हूँ। तो अकेले की आदत डाल लो। मैं अपने जिम में भी देखता हूँ, स्टार्टिंग में जैसे 6 लड़कों का ग्रुप आएगा, 6 में से 5 रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, फिलहाल में 1 रह जाता है। वो जो 1 होता है ना, वो अपने लिए आता है, वो उनकी वजह से नहीं आता कि वो 6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसको अपना फिजीक बनानी होती है, उसको अपनी बॉडी ठीक रखनी होती है। तो भाई ये मेरी सजेशन है, सबकी सबको गोली मारो, अपना जिम जाओ, अपना ध्यान दो, साथ वाले बस समझ जाओ। अभी भाई साहब रास्ते में बंदे कह रहे लव तू तो पहचान भी नहीं आ रहा, लग रहा है दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। गाइस, जिम से निकल चुके हैं और बिल्कुल ताबड़ तोड़ वर्कआउट हुआ, और जिम में एक बंदा मिल गया, वो ट्रेनिंग देता है मार्शल आर्ट्स की। अरे ये नहीं,
मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है, तो शायद अगले महीने से अपना मार्शल आर्ट्स भी करेंगे। और संयम कभी तेरे साथ ऐसा हुआ या तेरे साथ कि कोई चीज एकदम दिमाग में आई हो या कोई काम और एकदम से भूल गया हो तू? बहुत बार हुआ भाई, बहुत बार होता है भाई। तो मैं एक बार ये व्लॉग में एक रिमाइंड करा देता हूँ सबको, अगर मैं कल को भूल गया तो आप सबको याद रहनी चाहिए डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। अगर मैं कल को भूल गया तो मैं व्लॉग पे देख लूंगा या मेरे को कोई याद दिला देना डब्ल्यू के नीचे गोवा में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। कौन बोल रहा है? मैं बता रहा हूँ ना। तू अंतर या नहीं? ओए फिर मैं भूल ना जाऊं, मैं इसलिए सबको बता रहा हूँ, याद कराने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब डब्ल्यू के नीचे चल रहे, जिसको मिल गए मिल गए। मेरी बात सुन लो। तो गाइस जिम से आ गया, अब हमारा ना कुकिंग वाला सेशन चालू है। प्याज और ये सब पहले काट लिया था हमने, अंडे की बना रहे हैं भुर्जी और साथ में घर पे बने हुए हैं पुलाव। तो अपना कार्ब्स भी हो गए और थोड़ा बहुत प्रोटीन इससे आ गया। तो अब इसमें डालते हैं नमक, बहुत है इतना नमक आ गया। ये मिर्च ज़्यादा तो नहीं होगी? नहीं, कम ही है। और डालते हैं, रुको, ये मिर्च आ गई, थोड़ी और डाल देते हैं। और मैगी मसाला डालते हैं। चलो जी, मसाला आ गया बढ़िया तरीके से। भाई कुछ गलती तो नहीं कर दी इतना डाल के मैंने? लो जी, ओरिगैनो भी आ गया। अब फटाफट से इसको फेंटते हैं। और ये सब्जियों को हम करेंगे मक्खन में फुल फ्राई बढ़िया तरीके से। ये डल गया मक्खन बढ़िया तरीके से, लग तो रहा बढ़िया चीज बनेगी। ओए ओए, पूरी गैस देख के तो लग रहा है बढ़िया सा बनेगा जो भी बनेगा। तो इसको डाल देते हैं इसमें। लो जी, और मक्खन डल गया। अब ये डल गया अपना अंडा। ओके, बहुत फटाफट से बनाते हैं भुर्जी। ओए कितना खतरनाक लग रहा है भाई साहब। लो गाइस, भुर्जी हो गई है तैयार, बस थोड़ी सी ना ज्यादा लाल हो गई। और हमारा भाई मक्खन से ना अलग ही रिश्ता है, आधी से ज्यादा टिक्की डाल दी मक्खन की। भाई साहब कुछ ऐसा सीन नहीं है कि मैंने बनाई है, मैं तभी तारीफ कर रहा हूँ, पर बहुत खतरनाक बनी है भाई, एंड मजा आ गया। तो गाइस अब प्रोटीन पीने लगे हैं और अश्वगंधा भी डाल रहे हैं इसमें। सुना है कि इससे नींद अच्छी आती है और मसल की ना रिकवरी भी हो जाती है बढ़िया तरीके से। और ये डब्बा ना मैंने लिया था अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अब ये मार्च चढ़ गया, मतलब लगा लो 5-6 महीने हो गए ये डब्बा नहीं ख़त्म हुआ। वैसे तो लोगों का डब्बा 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, मेरा 5-6 महीने हो गए ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रोटीन वोटीन पीना। और मैं ना इन सब के अगेंस्ट हूँ वैसे प्रोटीन वगैरह के, क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, मतलब आज से लगा लो 5-6 साल पहले, तब तो मैं प्रोटीन लेता नहीं था। तो मैंने जितनी भी बनाई थी ना डाइट से बनाई थी, बट अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, डाइट खुराक हमारी बढ़ रही है, तो सिर्फ अगर डाइट डाइट लेनी हो ना बंदे ने बिना प्रोटीन के, मतलब बिना प्रोटीन पाउडर के अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना हो, तो कम से कम उसका भाई सिर्फ डाइट डाइट का 25,000 रुपये का खर्चा है महीने का, सिर्फ 25,000 रुपये डाइट डाइट। इसमें आप अपना कन्वेंस जिम की फीस वीस सब कुछ अलग कर दो, सिर्फ डाइट डाइट बता रहा हूँ 25,000 रुपये एक बंदे का खर्चा है। और बाकी फिर सप्लीमेंट भी अगर साथ में ले रहे हो तो 50,000 रुपये कहीं नहीं गए आपके, 40-50,000 रुपये का खर्चा है जिम का। भाई जिम बड़ा महंगा सौदा है, अब पाल तो लिया है, अब जैसे बाबा की कृपा बाबा रखेंगे तगड़ा हमें। मेहनत की ये रातें रहेंगी अभी जारी, जो लोग देते साथ उन सबका मैं आभारी।